गुरांची वाहतूक करणारे वाहन अडवून गौरक्षक संघटनेचे पदाधिकारी आहोत असे सांगत वाहन चालकाकडे 50,000 रुपयांची खंडणी मागितल्याची तक्रार वाहन चालकाने केली आहे। यावरून धुळे पश्चिम देवपूर पोलिसांनी 3 जणांवर दाखल केला आहे। वाहन चालकाने पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की तिघांनी शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली। पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पोलीस कॉन्स्टेबल शेख यांच्याकडे तपास सोपवला आहे। एक्सप्रेस वन न्यूजसाठी धुळ्याहून अब्दुल रहमान मलिक यांची रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा और क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हारा? मैं गाड़ी भर के लाया था इंदौर से भेसा, और संजय शर्मा ने इन्होंने गाड़ी रोकी और पैसे की मांग की और मारने की धमकी भी दी। क्या बोले वो? बोलना पैसा दे नहीं तो फिर माल तेरा ले जाएंगे। फिर मैंने व्यापारी लोग को फ़ोन किया, उनको बुलाए और पुलिस आई, फिर थाने ले गए। क्या बोल रहे थे खुद को? खुद को गौरक्षक बोल रहे थे, वो पैसे की मांग की थी 50,000 रुपये, नहीं देने पे पुलिस आई, फिर थाने ले गए। वो गाड़ी की चाबी निकाली और 2 लफड़े मारे।